हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह का भी 4:30 होने वाला है और ये फ्रेश हो ही रहा है, दोस्तों मेरा है फ्रेश हो रहा है। अभी मैं जा चुका हूँ, अभी चलते हैं दोस्तों टॉयलेट करके आते हैं। वो यहाँ पे पानी अभी मैं भर लिया हूँ। आते हैं टॉयलेट करके। दोस्तों बाथरूम टॉयलेट करके मुँह पोछ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मुँह पोछ लिया और टाइम हो गया है 4:45। अभी जैसे फ्रेश हो गया है, थोड़ा थोड़ा भी लेटा, तो अभी चलते हैं। तो अभी चलते हैं, बुक इट करते हैं आधा घंटा, लगभग 30-35 मिनट, उसके बाद में फिर चलेंगे घूमने के लिए सरेख की तरफ लगभग 5:15 बजे से। चलते हैं, फिलहाल बुक इट करते हैं। हमारा बुक देखते हैं, ये बुक है, तो बुक इट करते हैं आधा घंटा। करना ज़रूरी है क्योंकि खुद को चार्ज करने के लिए बुक रीड करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बुक रीड करना चाहिए, इसलिए मैं बुक रीड करता हूँ। दोस्तों अभी मैं किताब पढ़ लिया और टाइम अभी 5:15 हो चुका है, तो अभी चलते हैं दोस्तों घूमने सरह की तरफ। और किताब को यहाँ पर रख देते हैं, दोस्तों अलमारी में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे हमारा बिस्तर है और यहीं पे शिफ्ट कर लिया। सामने उस घर में था पहले, जिस घर में माल रखता हूँ वहाँ पे था बुक वाला अलमारी, लेकिन यहाँ पर रख लिया, सोना के साथ पढ़ाई भी करेंगे इसके लिए। तो अभी चलते दोस्तों सर की तरफ से घूम के आते हैं। फ्रेश हो चुका है दोस्तों, अभी मैं सरेह की तरफ आ चुका हूं और अभी टाइम दोस्तों 5:45 हो चुका है, आधा घंटा आया हुआ हो गया। तो अभी मैं चलता हूं दोस्तों, अब यहीं से लौटूंगा क्योंकि दोस्तों यहां पे पुल पर जो है रुका हुआ था, वीडियो अपलोड करना था तो वही कर रहा था, तो वीडियो अपलोड हो चुका है। अब फिर चलेंगे घर पर और उसके बाद में माल वाल सरियाना है। दोस्तों अभी आ गया घर पर और अभी चलते हैं माल को सरियाते हैं, जो जो काइटल कम है वो सब। तो चलिए सबको सरिया लेते हैं, सरिया करके फिर मिलते हैं। अभी टाइम 6 बज रहा है दोस्तों, सारे माल का भी सरिया लिया, टाइम 7:45 हो गया है दोस्तों सरियाते सरियाते। तो इधर भी पूरी अच्छे से रेडी हो चुका है और झोला भी हो गया, इधर गमछा भी रेडी हो चुका है। दोस्तों आज भी माल भरपूर है, पूरी तरह से मेरे मन लाए पूरा भरपूर माल है। तो चलिए सारे तो सरिया लिए, अभी चलते हैं बस स्नान कर। तो अभी मैं पानी भर रहा हूँ, देख सकते छत पे ये कटरा में भर गया है, बाल्टी में भर रहे हैं, बाल्टी में पानी भर लेते हैं, उसके बाद में स्नान स्नान कर लेते हैं। अभी ब्रश भी करना बाकी है, यहाँ पे रखे हुए ब्रश देख सकते हैं, तो ब्रश कर लेते हैं स्नान करके। खाने भी मैं खाना ना खा करके रेडी हो चुका हूँ और अभी टाइम 9:05 बाकी है, तो चलते हैं एक गमछा ले लेते हैं। और सारा माल भी लोड हो चुका है देख सकते हैं, तो गमछा लोड करके फिर निकलते हैं। अभी 9:10 हो चुका है और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, बोहनी तो अभी नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन धूप है आज भी देख सकते हैं और हवा चल रहा है, सो धूप पता नहीं चलता है, गर्मी पता नहीं चलता है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों घूमते हैं और फर्स्ट बोहनी होने के बाद फिर मिलते हैं। टाइम 10 बज गया है और अभी हमारा बोहनी भी हो चुका है, एक गाँव में घुमा हूँ और 190 रुपये का सेल हुआ है, 100 रुपये का बंडी पैंट और एक टी शर्ट बिक्री हुआ है लड़की का 90 रुपये का। तो चलिए फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं और पीछे से जो है ना बारिश आने वाला है, तो बादल बहुत ज़्यादा काला काला लगा हुआ है देख सकते हैं, तो मुझे मेरे पास पल्ली भी नहीं है इसको ढकने के लिए। चलते देखते हैं कहीं पे रुकेंगे।
दोस्तों देख सकते हैं कितना काला काला बादल लगा हुआ है, बेजोर बारिश लगा हुआ है। अगर आ जाएगा तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, और हमारे पास तिरपाल भी नहीं है। देखते हैं कहीं पे जगह मिलता है तो गाड़ी लगाने के जगह देखते हैं, वहीं पर रुकेंगे। तो दोस्तों अभी गाड़ी मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, सीमेंट का दुकान है यहीं पे। और अभी देख सकते हैं बादल पूरी तरह से फैल चुका है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी अभी हो रहा है, तो पूरी तरह से छूट जाता है ना, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तब तक यहीं पे रुकते हैं। दोस्तों अभी टाइम हो गया है 3:30, और अभी मैं वहाँ पे बारिश हो रहा था, रुका हुआ था, उसके बाद जो है ना लगभग 11:30 बजे तक वहाँ रुका था, और थोड़ा थोड़ा बादल लगा हुआ था, बुनी एक दो वो पड़ ही रहा था, तभी मैं चल दिया वहाँ से। तो लगभग 12 बजे तक जो है ना ऐसा ही बादल छाया हुआ था 12:30 बजे तक, उसके बाद धूप आ गया है, तभी देख सकते हैं धूप है। 3:30 अभी टाइम हो गया दोस्तों, और अभी एक ही गाँव में घूम रहा था दोस्तों। बारिश हो रहा था उस समय तो तुम्हारे मात्र कितना 190 रुपये का सेल हुआ था, लेकिन एक ही गांव में घुमा हूँ तो लगभग 3200 तक सेल हो गया, यानी कि 3000 का सेल हुआ, 190 तक सेल हुआ था और एक ही गांव में 3000 का सेल हो गया। तो चलिए फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं अगला गांव मसाही में, मसाही की तरफ, मसाही घूम करके और फिर मिलते, देखते हैं मसाही में कितना समय लगता है। तो मसाही घूम करके फिर मिलते हैं। अभी मसाही गाँव भी आ गया, तो चलते हैं मसाही गाँव में घूम करके और फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेल होता है मसाही गांव में। दोस्तों ये हमने मसाही गांव घूम लिया, ये पिछला गांव मसाही गांव है, और दोस्तों 6 बजने वाला है, 2.5 घंटा समय लग गया, लेकिन सेल की बात करें तो ही 650 का सेल हुआ है मसाही में। फिलहाल चलते हैं दोस्तों अभी डायरेक्ट सीधे घर की तरफ, क्योंकि 1/2 घंटा समय और है, तो एक गाँव और घूमने का है रास्ते में, तो घूमते हुए घर की तरफ चलेंगे, देखते हैं कितना का सेल होता है। दोस्तों अभी अंधेरा हो चुका है देख सकते हैं, और मैं घर पर नहीं पहुंचा हूं, घर पर पहुंचने ही वाला हूं दोस्तों, मात्र 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, 1.5 किलोमीटर और है। और दोस्तों आते आते रास्ते में जो है ना 650 का सेल हुआ है, 90 ओढ़नी ये सब मिला के, बंडी वंडी मिला करके, हाफ पेंट मिला करके। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर पर, और अभी टाइम 7:15 हो चुका है, अभी घर पे मिलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों अभी आ गया घर, और घर आते आते 7:30 हो चुका है अभी, वही मैं माल सारे उतार लिया, गाड़ी भी लगा लिया हूँ ऊपर, अभी चलते हैं हम वहाँ पहुँच के फ्रेश हो जाते हैं। हाँ दोस्तों अभी हमने फ्रेश हो गया है, हो करके आ गया इस रूम में, और अभी दोस्तों खाना खा रहे हैं, तो देख सकते हैं हमारा खाना ये है रात का भुजिया रोटी। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं, और आज जो है नाश्ता भी आज नहीं किया, और तेल भी नहीं डाला है क्योंकि कल वाला तेल चला है आज। तो चलिए खाना वाना खा करके और फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों हमने खाना वाना खा करके और आज गया हूँ बिस्तर पर, अभी चलते हैं दोस्तों वीडियो एडिट करेंगे, एडिट करके और फिर थोड़ा सा बुक रीड करेंगे, मात्र 10 से 15 मिनट भी बुक रीड जरूर करेंगे, उसके बाद में सो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह फिर न्यू ब्लॉग्स के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।